इस वक्त आज जो आप देख रहे हैं कि तेल भी सस्ता हो गया और ज़ाहिर है कि अब हर चीज़ पर एक असर पड़ेगा, तो अब ज़ाहिर है कि अब तो आपको तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की कि हुकूमत बेहतर हो रही है। देखिए, अगर 60,000 पे स्टॉक एक्सचेंज और वो 30,000 पे आ गई है, अब 30,000 के बाद अगर वो 32,000 हो जाए तो आप उसे बेहतरी नहीं कह सकते। महंगाई अगर 3 से 4% थी और अब ये 14 से 15% से कोई 1% कम हो गई हो, इसे आप कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं कह सकते। तो ये पहले कम अज़ कम चलें, बेहतरी नहीं कर सकते तो वहाँ ही चीज़ें ले आएँ जहाँ हम छोड़ गए थे। महंगाई 3 से 4% से और उसी तरह पेट्रोल आपको याद है कि 70 रुपये भी रहा है और आज अगर इन्होंने तो पूरा रिलीफ दे दिया जो इंटरनेशनल मार्केट से आया था, जितना रिलीफ वहाँ से मिला पेट्रोल की प्राइसें जो कम हुई हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, बिजली गैस के बिल देख लें। चले हम ये समझते हैं कि ये नालायक है, नाअहल है, ये अगर उसमें बेहतरी नहीं कर सकते तो कम से कम ये पाकिस्तान उसी जगह पर मेहरबानी करके ले आए इन कीमतों को जहाँ पर हमने छोड़ी। सर मलिक नवाबशेर वसीर साहब, जड़ा वाला में आजकल माशाल्लाह कुछ थोड़ी बहुत हलचल नज़र आ रही है, तो क्या समझेंगे कि अब ये जड़ा वाला तरक्याती कामों की तरफ चल पड़ा है? देखिए, ये मेरा ख्याल है ये जड़ा वाला के लोग फैसला करेंगे और ये टोटल पे कारपेट सड़कें, उसके बाद आप देख लें 60 लोगों की गैस, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें। हमने तो इफ्तिताह करने पे जोर नहीं दिया, बल्कि मेरे किए हुए प्रोजेक्ट, बल्कि नून लीग के, मेरे जाती तो नहीं, नून लीग के प्रोजेक्ट ये अगले 5 साल भी इफ्तिताह करें तो इनके लिए काम है। इतने काम हमने शुरू किए हुए हैं।